सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 200 फोन में पावर ऑफ बटन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का वाई 200 फोन है, फाइनली अपने फोन को आप लोग पावर ऑफ करने जाते हो तो फाइनली आपके पास पावर ऑफ बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है, फाइनली आपको गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपने अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाते हो तो आपके पास पावर ऑफ बटन नहीं मिलता है, फाइनली गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, तो फाइनली आप लोग इन फ्यूचर कैसे अपने फोन को पावर ऑफ कर सकते हो। तो फाइनली मैं दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, गूगल असिस्टेंट सेटिंग को कैसे आप लोग को रिमूव करके एंड अपने फोन में पावर ऑफ बटन को वापस से लाना है। मैं आप लोग को इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं वीवो के वाई 200 फोन के सेटिंग के अंदर से। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का वाई 200 फोन है, फाइनली अपने फोन को पावर ऑफ करने जाते हो तो फाइनली आपके पास इस तरीके का पावर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपके पास गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इस तरीके का आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन बटन नहीं आता है, तो फाइनली आप अपने फोन को पावर ऑफ नहीं कर पाते हो। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो तो फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा गूगल असिस्टेंट ऑप्शन को आप लोग रिमूव करके एंड इस तरीके का पावर ऑफ बटन को वापस से ला सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों, यहां पर आपको मैं चलकर दिखाता हूं सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर आपको आना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर यहां पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी। शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर मिलता है पास एंड होल्ड पावर बटन। इसका मतलब कि आपका पावर बटन होल्ड है, इसे अनहोल्ड करना है। तो मैंने होल्ड से अनहोल्ड किया था तभी मेरे फोन में पावर ऑफ का बटन आ रहा था। अगर आपके फोन में होल्ड होगा तो फाइनली आपके पास गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहां पर मिल जाता है पास एंड पावर बटन। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, इमरजेंसी यहां पर लिखा है एनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू का ऑप्शन, तो यहां पर सेट है मेरा, तो तभी जाकर मेरे फोन में पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है। फाइनली अगर आपका यहां पर लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे सेट है तो फाइनली आप जैसे अपने पावर बटन को यहां से लॉन्ग प्रेस करते हो पावर बटन को एंड आपके पास इस प्रकार का गूगल असिस्टेंट मिलेगा, जिस प्रकार का देख सकते हो मेरे फोन में दिखाई दे रहा है। फाइनली आपके पास कोई पावर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फाइनली आप अपने फोन को कैसे स्विच ऑफ कर सकते हो, फाइनली आप लोग तो टेंशन में हो जाएंगे एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनली आप लोग यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रहे हो। तो फाइनली ये वीडियो आप लोग के लिए सही बना रहा हूं। फाइनली इस वीडियो में आप लोग देख लोगे तो आप लोग का 101% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो फाइनली यहां पर क्या होता है कि आपको क्या करना है, पास एंड होल्ड पावर बटन पे क्लिक करके एंड इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आप यहां पर लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन पे, जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहां पर आपके पास पावर ऑफ करने का बटन वापस से आ जाएगा। फाइनली इस प्रकार का अपने फोन को आप लोग स्विच ऑफ कर पाओगे वीवो के वाई 200 फोन को। तो फाइनली ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, मैंने बता दिया आप लोग को करना कैसे। फाइनली अपने फोन के सेटिंग के अंदर से इसे आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो एंड अपने पावर बटन को वापस ला सकते हो फाइनली 2 मिनट के अंदर में। तो फाइनली आप लोग को मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया कैसे आप लोग गूगल असिस्टेंट ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो एंड पावर ऑफ बटन को अपने फोन में वापस ला सकते हो, जिस बटन से आपको अपने फोन को पावर ऑफ करना होता है। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय दोस्तों।